फ्रेंड्स, मैं निकुंज और आप सभी दर्शकों का नागपुर इनको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे साथ में मौजूद होते हैं महान सेलिब्रिटीज, महान हस्ती, ठीक उसी तरह आज मेरे साथ में मौजूद है निक्की वालिया जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नागपुर इनको मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। तो आज आप नागपुर आए हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने नागपुर सिटी ऐसे देखा नहीं है जितना एयरपोर्ट से यहाँ पर देखा, उसके बाद में बस इंटरव्यूज कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों से आपसे इतना अच्छा लगा कि मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि नागपुर सिटी कितना बॉम्ब सिटी है। मैम, आपका जो सीरियल आ रहा था राजा दिल से, दिल संभल जा, दिल संभल जा जरा, तो दिल संभल जा जरा, मैं 10 साल बाद में हमेशा टीवी पे, जितने भी मेरे दर्शक हैं जो मुझे जानते हैं ये जानते हैं कि मैं कोई ऐसा वैसा सीरियल तो करूँगी नहीं, अगर उसमें कोई बात अलग हो, हटके हो तो ही करूँगी। और मैं जानती हूँ कि लोग कहते हैं कि अलग हटके वर्ड सब यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा शो एक्चुअली एक यूनिक शो है। बहुत ही अरसे बाद मुझे ऐसा कंटेंट मिला है, ऐसा सब्जेक्ट मिला है जो रियल इमोशंस के साथ डील कर रहा है, ना कि जिसकी आदत पड़ चुकी है हमें, जो जिस किस्म के शोज़ की आदत है वैसा शो नहीं है। बहुत ही अलग है, बहुत ही रियल है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मैं लैला रायचंद का किरदार निभा रही हूँ, जो सलोनी और आहाना रायचंद की माँ का रोल कर रही हूँ। मेरा किरदार बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत का है, जो किसी चीज़ में ना नहीं सुनना पसंद करती, चाहे वो अपने बच्चियों से ही क्यों ना हो, दुनिया से ही क्यों ना हो, सोसाइटी से ही क्यों ना हो। और लैला के लिए कुछ भी गलत नहीं है, वो जो करती है वो अपनी मर्जी से करती है, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो, बुरा हो, उसकी परवाह नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लैला करती है वो गलत है, लेकिन उसके दिल में वो गलत है। नहीं, माँ का रोल मैं कर चुकी हूँ। अस्तित्व में मैंने स्टार्ट किया था 35 ईयर ओल्ड की लेडी से, जब मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे बढ़ते हैं। अस्तित्व में मेरा लीप भी हुआ था और ये 15 साल पहले मेरी बच्चियों की मैंने अस्तित्व में शादी भी कराई है, तो माँ का रोल मैं कर चुकी हूँ। मैंने जो फिल्म शानदार की थी उसमें मैंने आलिया भट्ट की मदर का रोल किया, तो हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। संभल जा जी, हमारे दर्शन दिल संभल जा जरा मंडे टू फ्राइडे आता है स्टार प्लस में 10:30 बजे, उसका रिपीट होता है अगले दिन 4:30 बजे और सुबह 9 बजे। हाँ जी, और हॉट स्टार पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आई हूँ बहुत कम समय के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सबसे मिल सकूँ, दोबारा आ सकूँ, थोड़ा नागपुर का लुत्फ उठा सकूँ और मैं यहाँ से ऑरेंज बर्फी लेकर जा पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए बातों के साथ, नए सवालों के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग नागपुर इन्फो। लव ग्रीन, लिव ग्रीन, थिंक ग्रीन। थैंक यू। थैंक यू।